पबजी पे भी प्यार कर लेती है, चार चार बच्चों की माँ होके इसे प्यार करने का समय मिलता है? वो अपने बच्चों का भविष्य क्या देखती है? सीमा हैदर और सचिन मीणा, जिनकी लव स्टोरी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश तो क्या बल्कि पूरे देश में ही वायरल है। लेकिन इसी बीच सीमा और सचिन को लेकर ही वायरल हुई एक और भाभी, वो भाभी जो सीमा से ज्यादा बड़ी सेंसेशन बन गई, जिन्होंने सचिन को लप्पू सा सचिन और झिंगुर सा लड़का बताया। उनके एक डायलॉग ने उन्हें इतना फेमस कर दिया कि उनके ऊपर गाने तक बन गए। उनका नाम है मिथिलेश भाटी। मिथिलेश भाटी अपनी बहन गीता भाटी के साथ यूपी तक के स्टूडियो पहुंची, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और सीमा और सचिन को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। इस बीच मिथिलेश भाटी की बहन गीता भाटी ने सीमा हैदर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्या प्यार की परिभाषा यही होती है? इसी के साथ गीता भाटी ने सवाल उठाते हुए कहा कि चार बच्चों के बाद में प्यार करने का टाइम कहां से मिल जाता है? आप भी सुनिए सीमा हैदर पर कैसे अपना गुस्सा निकाल रही हैं गीता भाटी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे कि वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। प्यार की कोई परिभाषा होती है या नहीं होती है? ये हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है कि आज आप इससे प्यार कर रहे हो, चार साल दस साल बाद आप शादी के किसी और से शादी करके, उसने हैदर को तो मिस कॉल पे ही प्यार हुआ था। ये कैसी महिला है जो मिस कॉल पे भी प्यार कर लेती है? ये कैसी महिला है जो पबजी पे भी प्यार कर लेती है? चार चार बच्चों की माँ होके इसे प्यार करने का समय मिलता है? वो अपने बच्चों का भविष्य क्या देखती है? क्या हमारे भारत देश में ये संस्कृति है कि अगर किसी को बच्चे हैं तो पहला गुरु माँ होती है? वो जो बच्चों को शिक्षा देती है, उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ लिखने के लिए तैयार होता है चार साल पांच साल का, तब गुरु दूसरा होता है शिक्षक। लेकिन पहला ही गुरु गलत है तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी वायरल होने के साथ साथ ही झिंगुर वाली भाभी यानी कि मिथिलेश भाटी काफी ज्यादा चर्चा में आई, और उनके साथ ही उनकी बहन भी मुखर रूप से सीमा और सचिन पर जमकर निशाना साध रही है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।